आपको बहुत ही अच्छी स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग जो है क्रीम बताऊंगी। आप इसको नाइट क्रीम एज अ यूज कर सकते हैं या फिर एज अ डे क्रीम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यह आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी, चेहरे के जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बों को हटाएगी, चेहरे पर मेलाज्मा है या फिर डार्क स्पॉट पड़ गया है और डार्क सर्कल को दूर करेगी। बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसको ज़रूर बनाएं, ईजिली आप बना सकते हैं और ईजिली आप अपने फेस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वर्किंग वूमेन हैं, यानी कि बहुत सारी लेडीज़ जो है काम करती हैं, जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप जो है इस होममेड क्रीम को बनाकर स्टोर कर लें और अपने फेस पर आप लगाएं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत यंग दिखेगा, आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगी इस क्रीम को आप लगाती हो तो। मात्र आपको 15 से 20 दिन इस क्रीम को लगाना है, 15 से 20 दिन के बाद आप अपने चेहरे को देखोगे तो आपके चेहरे में बहुत अच्छा खूबसूरत सा निखार आने वाला है, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, आपके चेहरे पर दाग धब्बा होगा तो वो भी गायब हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट बनेगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर और स्मूथ बनेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगे, क्रीम आपको रिजल्ट आप दे, क्रीम का रिजल्ट आपको मिले, क्रीम आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ कि कैसे आपको ये स्किन लाइटनिंग स्किन वाइटनिंग क्रीम बनानी। सबसे पहले क्रीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक खाली बाउल, कटोरी या फिर जो भी आप जिसमें बनाना चाहते हैं कंफर्टेबल हो तो वो आपको ले लेना है। और सबसे पहले आपको लेना है जेल, एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं, पपाया जेल ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जो है जेल ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब। देखिए ये जो क्रीम है ये ऑलरेडी मैंने बनाकर स्टोर कर रखी है, तो फिलहाल जो है मैं थोड़ी बना रही हूँ और इसको मैं लगाती हूँ, मेरे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत अच्छा निखार आता है, चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आप चाहें तो इसको मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं, आपके फेस पर पसीना नहीं आएगा, मेकअप काला नहीं पड़ेगा और ड्राई भी नहीं पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ आपको जो लेनी है वो है नारियल का तेल, तो ये कम से कम आधा चम्मच आपको लेना है। और जी आपको इसमें एक चीज़ और लेनी है, देखिए ये क्रीम बहुत ज़्यादा काम करती है, मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, आपको लेनी है ग्रीसलीन, तो ग्रीसलीन भी आपको आधा चम्मच के करीब लेनी है। और जी लास्ट में आप एक चीज़ और लेंगे ताकि आपके फेस पर पसीना ना आए, आपके फेस पर एक नेचुरल सा ग्लो आए, आपके चेहरा जो है फ्रेश दिखे, तो उसके लिए आपको लेना है ये रोज़ वाटर। तो देखिए कोई भी ब्रांड का आपको रोज़ वाटर ले लेना है, करीबन आधा चम्मच आपको रोज़ वाटर ऐड करना है। अच्छा जी इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से आप मिक्स करोगे, जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी सी जेल फॉर्म में आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम आपको लगने वाला है, इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। बहुत ही अच्छी क्रीम है ये, स्किन लाइटनिंग स्किन वाइटनिंग का इफेक्ट आपको देने वाली है, आपके चेहरे के दाग धब्बे जिद्दी से जिद्दी हैं मेलाज्मा है उसको ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगी, तो इस क्रीम को आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्रीम है बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं, तो ये जो है जैसे ही आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये वाइट फॉर्म में आ जाएगी और इसको आपको जो है किसी भी डिब्बे में आप स्टोर कर सकते हैं इसको। और ये क्रीम इतनी अच्छी है गाइस, आप नाइट में सोने से पहले लगाएं, आप चाहें तो डे में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये नाइट में बहुत ज़्यादा काम करेगी, बहुत जल्दी काम करेगी। तो देखिए ये हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई है, इस तरह की क्रीम जो है मैंने बनाकर और रखी हुई है, इस डिब्बी में मैंने जो है इसको बनाकर स्टोर किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप जो है इसको इस तरीके से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसका लगाने का तरीका बताती हूँ, देखिए आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप में जो है आपको फेस को धोना है,
आपको धोकर जो है फेस को इस क्रीम को लगा लेना है। सबसे पहले कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्राइमर की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेकअप से पहले इसको लगाएंगे तो आपको प्राइमर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। गाइज बहुत अच्छी क्रीम है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना। आप मेकअप करोगे तो आप जो है मेकअप से पहले इस क्रीम को बनाकर अपने फेस पर लगाना है। अच्छा, लगाने कितनी है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, मेकअप से पहले आप लगा रहे हो तो कम से कम इस तरीके से, जैसे कि है ना, 1-2 ड्रॉप आपको जो है अपने फेस पर इसको लगाना है। तो इस तरीके से आप इस क्रीम को लगाएंगे। और जी, नाइट में आपको कैसे लगाना है, अपने जो है अच्छे से धोना है सोने से पहले, आधा से एक घंटा पहले आप इस क्रीम को यूज करें अपने फेस पर। इसके साथ मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन टाइट बने, लाइट अप हो आपकी स्किन, फेयर बने आपकी स्किन, के जो दाग धब्बे हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। चलिए मैं बताती हूँ, सबसे पहले अपने फेस को धोना है, धोकर जो है आपको अपने फेस को ड्राई कर लेना है टॉवल से और इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है आपको लगानी है, इस तरीके से आपको लगानी है। और इसको इस तरीके से आप मसाज करेंगे, इस तरीके से आपको करनी है इसकी मसाज। स्किन जो है बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, खासकर 40-50 वाले जो एज वाले हैं, यानी कि 40-50 यानी कि 40-50 वाले जो एज वाले हैं, वो लेडीज़ हों या फिर जेंट्स हों, वो ज़्यादा यूज करें, क्योंकि इस टाइम जो है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा लूज पड़ जाती है। तो ये स्किन को टाइट बनाने में बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो आप जो हैं 30 के हैं, 40 के हैं, 15 के हैं, तो आप ज़रूर से इसको बनाकर रखें और दिन में 2-3 बार यूज करें, और रात में भी आपको सोने से पहले इस तरीके से इसकी मसाज करनी है। कम से कम 3-4 मिनट आप मसाज करें, इसके साथ आपकी स्किन बहुत जल्दी से टाइट बनेगी, आपका चेहरे का जो तेज है उसको भी बढ़ाएगी। इस तरीके से करना है मसाज। तो देखिए, मैंने मसाज कर ली है, और अब आपको क्या करना है कि आप ठंडे पानी की स्टीम लेनी है। हमें क्या करना है, एक आइस क्यूब आप लें और अपने फेस पर इस तरीके से लगा लें, हल्का हल्का लगा लें। कम से कम 1-2 मिनट आपको मसाज कर लेनी है एक आइस क्यूब के साथ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी बाउल में जो है आइस क्यूब को इकट्ठा करना है, डालना है अपने फेस के पास, मतलब इस तरीके से आपको स्टीम लेनी है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, जो भी तरीका आपको कम्फर्टेबल लगे, ईजी लगे, वो तरीके के साथ आप इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो स्किन केयर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है आपको सो जाना है, अपने फेस को धोना नहीं है, ठीक है। और आप दिन में यूज कर रहे हैं तो 2-3 घंटे अपने फेस पर इसको रखें, फिर जो है अपने फेस को धोएं और फिर से भी अप्लाई कर सकते हैं इस क्रीम को। तो भी काफ़ी अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा इस नाइट क्रीम से या फिर ड्रे क्रीम से। तो इस क्रीम को आप ज़रूर से बनाएं, अप्लाई करें, मेकअप से पहले अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी तो आप, और इससे जो है आपको रिजल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।